नमस्कार, मैं हूँ यास्मीन। सुशांत सिंह केस में बतौर मुख्य आरोपी जांच का सामना कर रही रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के फिलहाल उल्टी गिनती चल रही है। हालांकि खुद के बचाव में रिया हर दांव पेश लगा रही है। इस मामले में एनसीबी की पूछताछ के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बहन प्रियंका सिंह के खिलाफ बांद्रा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में रिया ने प्रियंका पर सुशांत को गलत दवाई देने का आरोप लगाया है। रिया के मुताबिक प्रियंका ने सुशांत को बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के दवाई लेने को कहा था। ऐसा करने से रिया ने सुशांत को रोका भी था, हालांकि सुशांत ने रिया की बात नहीं मानी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बहन प्रियंका सिंह और राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के डॉक्टर तरुण कुमार समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ फर्जी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन बनाने का केस दर्ज कराया है। रिया ने जालसाजी NDPS एक्ट और टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस गाइडलाइंस 2020 के खिलाफ ये केस दर्ज कराया है। तो आप देख सकते हैं, रिया ने प्रियंका पर फर्जी दवाई पर्ची को लेकर शिकायत दर्ज कराते हुए एक बार फिर से मामले को नया मोड़ दे दिया है, यानी कि वार और पलटवार। एक तरफ शिकायत करता है सुशांत सिंह के पिता के सिंह, जो विक्टिम पक्ष से हैं, तो दूसरी ओर रिया चक्रवर्ती भी खुद को विक्टिम दिखा रही है। बहरहाल सुशांत केस में इस ट्विस्ट के बाद आगे क्या मोड़ आता है, ये देखने वाली बात होगी।